दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में SCO समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे। दोस्तों चाहे एयरपोर्ट हो या फिर शहबाज का घर, पाकिस्तान में एस जयशंकर का स्वैग देखने को मिला। पहले तो एस जयशंकर का नूर खान एयरवेज पर ब्लैक चश्मे में अपना स्वैग दिखाया, उसके बाद शहबाज शरीफ के सामने रेड कार्पेट पर उनकी ग्रेट एंट्री देखने को मिली। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डिनर रिसेप्शन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का हाथ फैलाकर स्वागत किया। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग ये देखते रह गए कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने एस जयशंकर को आते देखा तो उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ पहले ही आगे बढ़ा दिया। इसके बाद एस जयशंकर और शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुछ बातचीत की। दोस्तों पाकिस्तान कड़ी सुरक्षा के बीच SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि SCO समिट क्या है जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान जाना पड़ा, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना 2001 में संघाई चीन में की गई थी। SCO के सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया। दोस्तों भारत 2005 से इस संगठन का सदस्य था, पर 2017 में इसका स्थायी सदस्य बन गया। इसी साल पाकिस्तान ने भी इसकी सदस्यता ले ली। दोस्तों साल 2017 में ही ईरान भी SCO का सदस्य बना। वर्तमान में SCO के सदस्य देशों में पूरी दुनिया की करीब 40% आबादी निवास करती है। पूरी दुनिया की GDP में इन देशों की 20% हिस्सेदारी है। यही नहीं, पूरी दुनिया भर में मौजूद तेल रिजर्व का 20% हिस्सा इन्हीं देशों में है। दोस्तों SCO समिट देशों के बीच वार्ता और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है, साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई करना है। दोस्तों आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना SCO का मुख्य मकसद है। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।